रख ले। ओ जड़े चमन, एक बार फिर से बोलना। अरे बोलना, डर क्यों रहा है? टकला, गंजा, चांडला, खलवट या फिर उजड़ा चमन, हिंदी में बिना बाल वाले को यही कहते हैं ना। तो तूने कुछ गलत नहीं कहा है? ये सफेद दीवार को सफेद और ये हरे बोर्ड को हरा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? प्रॉब्लम टकला बोलने में नहीं है, प्रॉब्लम टकला सुन के चिढ़ने में, प्रॉब्लम मुझ में। और ये कहां लिखा है कि गोरा अच्छा होता है और काला बुरा? बालों वाला हैंडसम होता है और गंजा बदसूरत होता है, मोटे पे हंसा जाता है और पतले पे नहीं, ये कहां लिखा है? हमने बनाया, हमारी सोसाइटी ने बनाया, हमने बताया सबको कि ये अच्छा है और ये बुरा, किस पे मजाक उड़ाना चाहिए और किस पे नहीं। हमने सिखाया है कि वो टकला, वो गंजा, वो छोटा, नाटा, काला, हंसो और मजाक उड़ाओ। और सुनने वालों ने भी सीख लिया है कि पहले बुरा मानो और फिर अपने आप को बदलो। क्यों बदलो? क्योंकि फिर तुम्हारा कोई मजाक ना उड़ाए, फिर तुम्हें कोई चिढ़ाए ना। दुख सिर्फ इस बात का है कि तुमने जो मेरे साथ किया मैंने भी किसी के साथ किया, मैंने भी उसका मजाक बनाया, उसको चिढ़ाया, उसके साथ बैड बिहेव किया। मैंने भी उसके लुक्स पे जज किया, वो लुक्स जिसको भगवान या कुदरत की देन कह लो, साइंस में जिसको जीन्स कहते हैं, जिस पे किसी भी तरह से हमारा कंट्रोल नहीं है। तो आज से जिसका जो मन करे, जब मन करे मुझे कुछ भी कह सकता है, टकला, गंजा, उजड़ा चमन, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आपका अपना टकला हिंदी टीचर।